बाबा सुनो गुरुचंद आज मैं सारे वस्त्र खोल चुका हूँ बाबा और आपकी कमर को ये जोगी वस्त्र में धारण करना हूँ बाबा। बिल्कुल गोपीचंद आज से तू गुरु गोरखनाथ का शिष्य है। लेकिन बाबा लेकिन क्या जब मैं अपनी माँ के पास पहुंचूंगा यदि मुझे माँ ने पहचान लिया तो उस वक्त मैं क्या कहूंगा बाबा? क्या कहोगे? तुम्हारे साथ जो हुआ है वही अपनी माँ को समझाना। कोई भी माँ अपने पुत्र को आंख में आंसू नहीं देख सकता, वो तुम्हारी बातों को खुद ब खुद समझ जाएगी। गोपीचंद हसीमन तिल और हसीमन जौ और हसीमन गुदरी जब तुम्हें पूरा हो जाएगा, माँ और अपने पत्नी और अपने बहन के हाथों से जब तुम भिक्षा प्राप्त कर लोगे उसके बाद ही तू उस 700 मिर्गी नैनी के श्राप से तू मुक्त हो जाओगे। बाबा मैं अवश्य ऐसा करूंगा बाबा। मैं ये अपने हाथों से 700 इस वस्त्र को सही से पहन लो। ले चलो अपने कुटी में, इन्हें अपने कुटी में ले चलो और अच्छे तरह से वस्त्र पहनो। कहे चितवा से हमरा के उतार दी हला, चितवा से हमरा के उतार दी हला।
शिष्य गोपी चंद बाबा हेलो मैं आपके पास पहुंच चुका हूं बाबा जल्दी बुलाइए बुलाइए सुनो बाबा कोई तुम्हें पहचान नहींगा शिष्य गोपी चंद ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें और जा सबसे पहले अपने हवेली को लौट जा अपने हवेली में जाकर के अपनी माँ के हाथों से पहले भिक्षा मांगो अपने पति पत्नी के हाथों से भिक्षा मांगो और उसके बाद अपनी बहन के हाथों से उसके बाद जब तू अश्मन तिल और जौ और अश्मन गुदड़ी लेकर के तू मेरे पास आओगे उसी दिन तू उस मृगनयनी के श्राप से मुक्त हो जाओगे। यदि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा यदि मेरी मां ने मुझे पहचान लेगा कि ये मेरा पुत्र गोपी चंद है तो बताइए बाबा मैं किस प्रकार से उसे मुक्ति पाऊंगा। जा गोपी चंद ना जाने इस राह में तुम्हें बहुत कठिन राह तुम्हें जानूंगा अगर समय आने पर तुम्हें कोई भी कठिन समय का सामना करना पड़ेगा तो मेरा नाम ले लेना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबा गुरु गोरखनाथ जा गोपी चंद जा यहां से अपने राज को लौट जा मैं अपने कुटी में तुम्हारा ही इंतजार करूंगा। बाबा मैं तो बस आपके पास न जाऊंगा बाबा लेकिन बाबा यदि मेरी मां ने मुझे पहचान लेगा तो उस वक्त मैं क्या करूंगा बाबा। जब भी तुम्हें मेरा जरूरत पड़ेगा मुझे पुकारना मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। नगरी नगरिया आलखाइए अच्छा गई हाय Oh,
जंगल गया है शिकार खेलने के लिए, अभी तक आपस लौट कर नहीं आए। ना जाने मेरा पुत्र अपने माँ का ख्याल भूल गया है। हाल हाल आज मैं अपने पुत्र का इंतजार कुछ देर राज दरबार में देख रहा हूँ, मेरा बेटा कब आएगा। ना जाने आज मेरी आंखें थिरक रही है, मेरे पुत्र को कुछ हो तो नहीं गया, अभी तक आपस लौट कर नहीं आए हैं। हल हल आसराज देखिए और दूलारा लेकिन माती लेकिन क्या बाबा, आज जो आपके द्वार पर पहुंची मुझे सिर्फ यही चाहिए 80 मन गोदरी और 84 मन तीर बाबा। क्या आज आपको 80 मन गुदरी और 84 मन तिल चाहिए? हाँ बाबा। भगवान अगर मेरा पुत्र इस वक्त महल में रहता, ना जाने सोना चांदी से बाबा की झोल में भर डालते। क्या? हाँ बाबा। हाँ आपका पुत्र? हाँ बाबा। लेकिन माता राम इस वक्त आपका पुत्र कहाँ है? बाबा क्या बताऊं मैं, मेरा पुत्र आज ना जाने कई दिन हो गया जंगल गया है शिकार खेलने के लिए, ये भी कुछ मेरा लाल आपस लौट कर नहीं आया है बाबा। लेकिन माता राम। लेकिन क्या बाबा, मुझे तो 80 मन गोदरी और 84 मन जो चाहिए माता। भगवान हगन हगन हनगरिया
भिक्षा के कारण आप मेरे दरबार में आकर रो रहे हो। ठीक है बाबा, मैं अपने हाथों से आपको भिक्षा दान करूंगी बाबा। मैं अभी इसी वक्त अपनी नौड़ी को बुला रही हूँ। नौड़ी के द्वारा मैं महल से भिक्षा की सामग्री मंगवाऊंगी और मैं आपको झोली में अवश्य भिक्षा दान करूंगी बाबा। बाबा, यदि मुझे समय हो जाएगा तो आपका भिक्षा मुझे कोई प्रदान नहीं होगा, इसलिए मुझे जल्द से तुम्हारे हाथों से मुझे भिक्षा चाहिए। ठीक है बाबा, अगर आपको मेरे हाथों से भिक्षा चाहिए, मैं अभी इसी वक्त नौड़ी को बुला रही हूँ। भिक्षा आपको मैं अपने हाथों से दान करूंगी बाबा। नौड़ी चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जिस प्रकार से आज इस ग्राम में हमारे माता श्री छोड़कर सर्वास हो चुके हैं, उसी प्रकार से आज इस कल्याणगर जी इस परिवार में कोई नहीं है। ताई संतों ने क्या कहते हैं,